गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज असी अपना फैब्रिक स्ट्रक्चर का तीसरा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं, जिसका नाम है लैपट एंड सर्वाइवल वीविंग। पहले लैपट एंड सर्वाइवल वीविंग दे विच असी इसी मेन करैक्टरिस्टिक्स पढ़ांगे, वो की मेन फीचर्स ने इहदे। पहला हैगा है कि लैपट वीविंग इज ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। जिस तरह आम असी असी शॉप्स दे विच भी देखे होना, या कई बार तुसी लेडीज़ नूं भी देखे होना कि वो कपड़े दे उत्ते एक्स्ट्रा धागा लैके, सूई दे विच एक्स्ट्रा धागा पा के कपड़े दे उत्ते बड़ा अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क करदियां। सो इस लैब एम्ब्रॉयडरिंग दे विच की हुंदा है कि कपड़ा ऑलरेडी साडे कोल बेस बनिया हुंदा है, उहदे उत्ते असी एक्स्ट्रा दा धागा लैके कोई फिगर क्रिएट कर देने। ठीक है, उसे तरह ही जिहड़ा लैपर्ड वीविंग दा जिहड़ा कपड़े ते इफेक्ट प्रोड्यूस हुंदा है, वह इस तरह हुंदा जिस तरह कपड़ा एम्ब्रॉयडरी किया हो, एम्ब्रॉयडरी वर्गा कपड़े के सर्फेस उत्ते इफेक्ट आता है। मीनस कपड़ा बेस ऑलरेडी बनया हुंदा, उहदे उत्ते एक्स्ट्रा धागे दे नाल असी डिजाइनिंग वर्क करते हैं। सो लैपर्ड वीविंग इज ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। लैपर्ड वीविंग का जो कपड़े से इफेक्ट आता है, इट इज ए लाइक ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी कपड़े के उत्ते की हो। फिगर आर प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग हॉरिजेंटल मोशन टू ए थिक एंड अपॉन ए फाइन मसलिन और गोस ग्राउंड। जड़ी फिगर है वो कपड़े के उत्ते क्रिएट की जाती है बाय गिविंग हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन टू ए थिक एंड। हॉरिजेंटल मोशन केड़ी हुंदी है, जिस विच असी दिस इज योर हॉरिजेंटल मोशन एंड दिस इज योर वर्टिकल मोशन। तो असी असी की है कपड़े के उत्ते धागे नू हॉरिजेंटल मोशन दिंदे, धागे नू इस डायरेक्शन वाल घुमा के उसके सरफेस के उत्ते असी डिजाइन क्रिएट करते हैं। जिस तरह तुसी नीचे फिगर के विच देख रहे हो कि असी जिहड़ा धागा है उसनू देखो हॉरिजेंटल मोशन दे के फिगर क्रिएट कर देते हैं। देखो नीचे फिगर दी है, लैपर्ड वीविंग हो जिस असी फिगर प्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग हॉरिजेंटल मोशन टू ए थ्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। आ देखो धागे नू हॉरिजेंटल मोशन दे के उहदे सरफेस दे उत्ते, यह जिहड़ा हॉरिजेंटल मोशन है यह असी दे रहे हैं एक्स्ट्रा दे धागे नू, जिहड़ा कपड़ा यह बेस ते ऑलरेडी बेस ते कपड़ा हैगा, उस बेस बेस कपड़े के उत्ते असी एक्स्ट्रा दे धागे दे नाल असी उसनू होरिजेंटल मोशन दे के उसके सरफेस के उत्ते असी यह फिगर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वह कपड़े दे विच देखो किस तरह, यह देखो यह कपड़े की लुक है, कपड़े च यह वाला डिजाइन किस तरह दिखाई देगा, इस तरह देखो यह सारा डिजाइन सेम बनेगा। लैपर्ड वीविंग दे विच असी ऑलरेडी जिहड़ा बेस कपड़ा हुंदा उहदे उत्ते असी विद दी हैल्प ऑफ धागा वार्प के लैके उसनू होरिजेंटल मोशन दें। देखो वार्प वार्प तो धागा आ रहा नीचे तो उसनू असी होरिजेंटल मोशन दे के उहदे सरफेस के उत्ते असी फिगर क्रिएट करते हैं। तो वह फिगर इस तरह लगती है जिस तरह कपड़ा एम्ब्रॉयडरी किया हो, तो कपड़ा तुहानू इस तरह का दिखाई देगा, जिस तरह तुसी उत्ते देख पा रहे हो। दिस वीव इज इंप्लॉयड इन वैराइटीज ऑफ फैब्रिक वेयर नॉवल्टी पैटर्नस आर रिक्वायर्ड। यह जिहड़ी वीव है बहुत सारे कपड़े के यूज की जाती है, नॉवल्टी मीनस जिते सानू अलग पैटर्न कपड़े के चाहिए होंदा, सुंदर पैटर्न चाहिए होंदा। प्रिंसीपल ऑफ लैपर्ड वीविंग, प्रिंसीपल ऑफ लैपर्ड वीविंग दे विच की है कहिंदा, फिर वही गल कह रहा है कि फिगर इज प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग होरिजेंटल मोशन। लैपर्ड वीविंग दे विच असी धागे नू होरिजेंटल मोशन दे के एक थले फाइन कपड़ा लैके और इत्थे असी धागे मोटा धागा लैके उसनू होरिजेंटल मोशन दे के कपड़े के सरफेस उत्ते फिगर क्रिएट करते हैं अपॉन ए फाइन मसलिन एंड गॉज ग्राउंड एंड मेकिंग इट इंटरवीव इन द मैनर एज शोन इन फिगर, जिस तरह तुसी फिगर विच देख पा रहे हो। फिगर इज फिरमली बाउंड ऑन क्लोथ बाय नीडल्स। हुण यह जिहड़े धागे नूं असी होरिजेंटल मोशन दिंदे आ, यह असी दिंदे आ विद दी हैल्प ऑफ नीडल। जिस धागे दे नाल असी यह वाला डिजाइन क्रिएट करना, असी उह धागे नूं नीडल विच लै के ते उस नीडल नूं इस कपड़े दे विचों घुमा के यह वाला डिजाइन असी की है क्रिएट करते हैं। सो यह जिहड़ा धागे नूं होरिजेंटल मोशन दित्ती जा रही है, दैट असी दे रहे हैं विद दी हैल्प ऑफ नीडल, नीडल दे नाल। यह सॉलिड स्पॉट फिगर इज वूवन ऑन द क्लॉथ। जिहड़ी फिगर है एज ए स्पॉट कपड़े के सरफेस उत्ते की है बन जाती है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस इंस्ट्रिकेट डिजाइन लाइक सर्वाइवल। इंस्ट्रिकेट डिजाइन होंदे ने जिहड़े बड़े कंपलैक्स डिजाइन होंदे ने, बड़े जिच फ्लावर्स वड्डे वड्डे होंदे ने, फुल बूटियां होंदियां ने। ठीक है,
एक कॉम्पलैक्स डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकता, जो लैपर्ड वीविंग है एक कॉम्पलैक्स डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। इन लैपर्ड वीविंग फ्लोट्स कैनोट बी बाउंड इन द मिडल, ये जरा असी देखो जो धागा एक्सट्रा आ रहा है असं फ्लोट दे रहे हैं कपड़े के उत्ते, असी इसनों सेंटर दे विच किते बाइंड नहीं कर सकते, असी इनू साइड तो नीडल विद द हेल्प ऑफ नीडल लैके कपड़े दे विचों सीधा फ्लोट आंदा, फिर इतों इंटरव्यू जड़ा नीडल है उस कपड़े के थल्यों घुमा के फिर आ धागा फ्लोट आंदा, फिर नीचों जिस तरह असी कपड़ा नहीं सीते दो लेयर्स लैके एक बार सुई बाहरली साइड जाती है फिर बाहर तो अंदर आ जाती है जिस तरह अं कपड़ा सीने, सेम उस तरह ही है कि सुई जड़ी साड़ी नीडल है वह बैक साइड तो जाएगी, वो बैक साइड तो जाएगी थल्यो, उस तो बाद उत्ते फ्लोट देगी, फिर कपड़े की बैक साइड तो जाएगी, फिर उत्ते फ्लोट देगी, फिर कपड़े की बैक साइड तो जाएगी, फिर फ्लोट देगी। सो असी की है विच ए जिन्ना लंबा फ्लोट है असी ए कित स्टिचिंग नहीं दे सकते, वी कैन नॉट बाउंड इन द मिडल। इट इज लैस कॉस्टली दैन सर्वाइवल अप्लाइड टू पावर लूम, ये जड़ी लैपर्ड वीविंग है ये घट कॉस्टली है एज कंपेयर टू सर्वाइवल वीविंग, तो ठीक है। अगे आ गया, पहले असी लैपर्ड बारे डिस्कस कर लिया, जी लैपर्ड वीविंग एक गल है कि जी लैपर्ड वीविंग है ए विद दी हेल्प ऑफ एक्सट्रा वार्प प्रिंसीपल दे नाल बनती है, क्योंकि यह देखो जो इफेक्ट है क्रिएट हो रहा है ये वार्प के इतों नीडल तो धागा आ रहा वार्प ही अं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यह वाला डिजाइन असी कपड़े के उत्ते पैटर्न जो है फिगर असी कपड़े के उत्ते क्रिएट कर रहे हैं। सो यह जी लैपर्ड वीविंग है यह जी असी बनाने हैं यह अपनी की कहते हैं विद दी हेल्प ऑफ एक्सट्रा वार्प के नाल बनती है। अगे है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वाइवल वीविंग, यह कहता पाया कहता दिस वीव इज मेड विद दी हेल्प ऑफ एक्सट्रा फिलिंग थ्रैड, यह जी वीव है यह जो डिजाइन है कपड़े उत्ते क्रिएट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ एक्सट्रा फिलिंग थ्रैड, एक्सट्रा वेफ्ट थ्रैड, फिलिंग ते वेफ्ट ही होंगे ना। सो जी लैपर्ड वीविंग है वह एक्सट्रा वार्प प्रिंसीपल से बनाई जाती है, जी सर्वाइवल वीविंग है वह एक्सट्रा वेफ्ट प्रिंसीपल के बेस से बनाई जाती है, जिस तरह तो अभी लास्ट टाइम तो लास्ट टॉपिक तो अभी जो डिस्कस किया एक्सट्रा वार्प एंड एक्सट्रा वेफ्ट। इट इज सिंपलेस्ट टू प्रोड्यूस एंड इनएक्सपेंसिव, यह जी है इसको बनाना आसान है, इस सर्वाइवल वीविंग सर्वाइवल कपड़े को बनाना आसान है तो इनएक्सपेंसिव है। वी कैन प्रोड्यूस डेकोरेटिव इफेक्ट, असी इस सर्वाइवल वीविंग के राही कई तरह के डेकोरेटिव इफेक्ट कपड़े से क्रिएट कर सकते हैं, कि डॉट्स सर्कल या होर भी कोई फिगर अगर अगर असी कपड़े विच क्रिएट करना चाहिए तो असी कर सकते हैं, बट लैपर्ड वीविंग दे विच की है असी कोई साढ़े को वैराइटीज अही उहदे विच इन्नी क्रिएट नहीं कर सकते, असी उहदे विच सिर्फ धागे नूं होरिजेंटल मोशन देके पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, बट सर्वाइवल वीविंग दे नाल असी कई तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इहदे च साढ़े को बहुत ऑप्शन है, इहदे च हुण कंपैरिजन आ गया कंपैरिजन ऑफ लैपर्ड एंड सर्वाइवल वीविंग। सर्वाइवल वी प्रोड्यूस स्मॉल फिगर इन एक्सट्रा वेफ्ट, तुहानूं इही दस्सिया कि जिहड़ी सर्वाइवल वीविंग है वह एक्सट्रा वेफ्ट प्रिंसीपल दे बेस ते है, इस दे विच जिहड़ी फिगर प्रोड्यूस की जाती है विद दी हेल्प ऑफ एक्सट्रा वेफ्ट दे नाल की जाती है, विच आर कट ऑफ शॉर्ट एट द एंड ऑफ ईच डिजाइन, जिन्ना एक्सट्रा वेफ्ट दे राही अही इह वाली फिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रा वेफ्ट प्रिंसीपल दे नाल इह वाली असी स्मॉल फिगर इन सर्वाइवल वीविंग विच कपड़े विच क्रिएट करते हैं, जिन्ना फ्लोट देना इन्हें दे के उस तो बाद अही एक्सट्रा धागा जिहड़ा वेफ्ट है वह कट दिंदे हैं at the end of each design, while leopard design are made of one continuous yarn and are not clipped, in case of leopard weaving jis tarah main tuhanu dassya ki oh extra warp principle te based hai oh assi jada hai kapde de vich design create karde hai with the help of needle te oh jehdi needle hai assi warp rahi introduce karke dhage nu us niche wale base kapde de utte horizontal motion de ke assi us di figure sari ki hai create karde hai ik te ikko hi dhage de naal sare kapde de vich वो सारी फिगर क्रिएट कर दी जाती है तो उसनों अं कट नहीं सकते, बट सर्वाइवल बीइंग जिस दे विच की है असी एक्सट्रा वेफ्ट के नाल ये वाला फिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो की है डिजाइन बनने बाद असी जड़ा एक्सट्रा धागा रह जाता है वो असी कट दें। बोथ मैथड गिव्स ए फैब्रिक एंड एम्ब्रॉयडरी अपेयरेंस, चाहे असी कपड़ा लैपर्ड वीविंग दे नाल बनाया है या सर्वाइवल वीविंग दे नाल बनाया, दोनों दे विच दोनों अपनी लुक इस तरह देनगे जिस तरह एम्ब्रॉयडरी किया कपड़ा है। बोथ यूज फिगरिंग मटीरियल ओनली वैन फिगर्स आर मेड,
ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਫਿਗਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਫਿਗਰ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਰ ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਫ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੈਪਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਿਗਰ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਰ ਥਰੈਡ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੈਪਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਚ ਫਿਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਰ ਥਰੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਥਰੈਡ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਿਗਰ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫ ਥਰੈਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫ ਥਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਪਰਡ ਵੀਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦੈਨ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀਵਿੰਗ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਪਰਡ ਵੀਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਲੈਪਰਡ ਵੀਵ ਦਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਪਏਗੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀਵ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀਵ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਟ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੈਫਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਰਕਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਦੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਫਟਰ ਵੀਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਦੋ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਪਰਡ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀਵਿੰਗ। ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰਡ ਵੀਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਪਰਡ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਰਪਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਪ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੀਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ, ਡੋਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਟਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਡੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫਿਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰਡ ਵੀਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਗਾ ਵਾਰਤਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।